नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आप सभी का आज हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी से, जो एक इलेक्ट्रो होम्योपैथ है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज हम एक ऐसे रोग के विषय में आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं जिस रोग को कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बता नहीं पाता, दर्द से तड़पता रहता है, परेशान सा रहता है, और कई बार क्या होता है कि पूरे पूरे दिन परेशान रहता है, शौच जाने से भी उसे डर लगता है, जिसे बवासीर या पाइल्स के नाम से जाना जाता है। तो पहले आप हमें यह बताइए कि बवासीर या पाइल्स किस तरह का रोग है या क्या है? राजेश जी, देखिए, पाइल्स की जो डिफिनीशन है या पाइल्स का जो व्यक्तिकरण है, जिसको हम मेडिकल टर्म में ये कह सकते हैं कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जो अंतिम पार्ट है, जिसको हम रेक्टम कहते हैं या मलाशय कहते हैं, मलाशय से 48 घंटे के बाद मल पदार्थों का बाहर सुगमता से निकल जाना चाहिए। लेकिन जब ये 48 घंटे से अधिक हमारे रेक्टम पार्ट में रुक जाता है और ये प्रक्रिया लगातार 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 1 साल तक इस तरीके की प्रक्रिया जारी रहती है कि 48 घंटे या 50 घंटे, 60 घंटे तक रेक्टम से मल पदार्थ बाहर नहीं जा पा रहा है किन्हीं परिस्थितियों में, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उस मल पदार्थ का हमारे लास्ट पार्ट पे, यानी एनस पे, जिसको आप गुदा पार्ट कहते हैं, वहां पर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने से ब्लड के जो कैपिलरीज है वहां पे वो स्वेल कर जाती है। तो इसमें स्वेलिंग 2 तरह की होती है, एक अंदर की साइड में होती है और एक बाहर की साइड। तो जो अंदर की साइड में होती है वो कम पीड़ादायक होती है, लेकिन जो बाहर के साइड में हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है वो स्वेल कर जाती है, क्योंकि ब्लड वहां पर मांसपेशियों पर प्रेशर देता है, तो मांसपेशियों में ब्लड भर करके लटकने लगता है, बाद में वो मस्से के रूप में बाहर निकलता है। तो पाइल्स यानी मल पदार्थों का सुगमता से बाहर ना निकलना, निकलने में हमारे एनस पार्ट पर या गुदा पार्ट पर तेज दर्द होना, जलन होना, या ब्लड आना, ब्लड के साथ मल पदार्थ का बाहर निकलना, ये सभी जो हम आपको समझा रहे हैं या बता रहे हैं, ये सब पाइल्स की परिभाषा में आते हैं या बवासीर की परिभाषा में आते हैं। अब बवासीर 2 तरह का होता है, एक तो बादी बवासीर होता है और एक होता है खूनी बवासीर। बादी बवासीर में क्या होता है कि ब्लड नहीं आता है, रोगी को एनस पार्ट में चिलकन होती है, वो मस्से बाहर की ओर लटकने लटके रहते हैं, लेकिन ब्लड नहीं आता है, रोगी को पेन होता है, दर्द होती है, चिलकन होती है। और जो खूनी बवासीर होती है उसमें अंदर के मस्से ब्लड के मल पदार्थ के प्रेशर से या जोर लगाने से, जब मल पदार्थ बाहर नहीं निकलता, जोर लगाते हैं तो अंदर के मस्से फट जाते हैं, वहां के रेशे टूट जाते हैं, जिससे अत्यधिक मात्रा में जो है ब्लड मल पदार्थों के साथ बाहर आने लगता है। और जब ब्लड निकल जाता है तो रोगी को राहत हो जाती है, क्योंकि वहां पे जब मस्से अंदर की ओर फूले होते हैं, जब उस पर प्रेशर पड़ता है मल पदार्थों का, तो वो फट जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ब्लड जब बाहर निकल जाता है तो दर्द समाप्त हो जाता है कुछ देर के लिए, फिर दोबारा नए ब्लड ब्लड कैपिलरीज, वहां पर ब्लड प्रेशर बना रहता है, लगातार वहां पर ब्लड का दबाव बना रहता है, उसको हम प्रेशर नहीं कह सकते, लगातार रक्त का वहां पर दाब बना रहता है, और वो जो दाब बनता है वो फिर स्वेल कर जाता है। तो इस तरीके से प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब इसका कोई निश्चित उम्र नहीं है कि किस उम्र में होगा, या महिला पुरुष में कोई इसका डिवाइडेशन नहीं है। हाँ, पुरुषों में 50 वर्ष के बाद जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने लगता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का एक प्रेशर हमारे एनस पार्ट पर पड़ने लगता है, चूंकि प्रोस्टेट ग्लैंड और एनस की दूरी थोड़ी सी बहुत कम होती है, तो जब प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होने लगता है तो वहां पे एनस पर उसका प्रेशर पड़ता है, तो मल पदार्थों को बाहर निकलने में प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे फिर वही स्थिति आती है कि वो स्वेल कर जाते हैं अंदर की ओर और ब्लीडिंग चालू हो जाती है। अब हम बात कर लें कि पाइल्स की जो प्रक्रिया है ये बच्चों में भी देखी गई है, यानी इसकी उम्र सीमा कोई निश्चित नहीं है कि ये किस उम्र के लोगों को होगा या किसी विशेष व्यक्ति को होगा। बच्चों में भी होती है, महिलाओं में भी होती है, और पुरुषों में भी होती है, और हर उम्र में होती है, यानी बालपन में, युवावस्था में और वृद्धावस्था में। तो पाइल्स के दोनों रूप रोगी के लिए अत्यंत असहनीय होते हैं, रोगी दर्द से पिचक एक तरीके से तड़पता रहता है, इसमें रोगी सीधा नहीं बैठ पाता है या सीधा चलने में भी उसको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मस्से बाहर की ओर लटके होते हैं, उसको हमेशा एक तरीके से अपने आप को एनस को दबाए रखना या उसके दाएं बाएं उसको खिसकाते रहना, जिससे उस पर प्रेशर ना पड़े, तो एक अजीब सा दर्द होता है, एक अजीब सी परेशानी होती है। जैसा आपने कहा कि इसको व्यक्त नहीं कोई कर पाता है, वास्तव में पाइल्स के रोग को व्यक्त करने में व्यक्ति एक तरीके से झिझकता भी है,
केवल उसको फिजिशियन के पास या सर्जन के पास जाने पर ही राहत मिलती है, तो पाइल्स का रोगी हमेशा अपने अंदर इस रोग के कष्ट को झेलता रहता है। जी राजेश जी। डॉक्टर साहब, हम अब ये जानना चाहेंगे कि जो पाइल्स का रोगी होता है वो कई तरह के मोड ऑफ ट्रीटमेंट लेता है, जैसे सार सूत्र भी लेता है, लेजर ऑपरेशन भी करवाता है, समटाइम्स आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लेता है, उसके बावजूद भी पाइल्स दोबारा उखड़ के आ जाती है, उस व्यक्ति दोबारा पाइल्स हो जाती है तो वो बहुत परेशान होता है, तो क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कोई ऐसा उपाय है कि वो पाइल्स दोबारा ना आए और वो सही हो जाए? राजेश जी, सबसे पहले तो अभी हम ये चर्चा कर लेंगे पाइल्स के ऊपर। अभी तो हमने चर्चा किया कि पाइल्स है क्या। पाइल्स देखिए, दरअसल ये एक सीवर कॉन्स्टिपेशन या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या पुराना जिद्दी कब्ज जिसको आप कह सकते हैं, जिद्दी कब्ज के लगातार ठहर जाने के कारण पाइल्स होता है। तो जब आप मान लीजिए आप किसी भी चिकित्सा पद्धति से एक बार पाइल्स का निवारण कर लेते हैं, उसको ऑपरेट करा लेते हैं, या जैसा आपने कहा कि सूत्रपात से उसको निकाल देते हैं अन्य चिकित्सा पद्धतियों में, तो केवल वो एक अस्थायी विकल्प होता है, क्योंकि लगातार जो मेन कॉज है पाइल्स का उस पर वो सर्जन ध्यान नहीं देते हैं। ये जितने भी पाइल्स के रोगी इन चिकित्सकों के पास जाते हैं, वो देखिए मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि पाइल्स के रोगी को अपने खान पान, अपने कॉन्स्टिपेशन को दुरुस्त रखने में ही भलाई है, न कि ऑपरेट करा लेने में भलाई है। आज आप ऑपरेट करा देंगे, 2 महीने बाद आपको फिर कॉन्स्टिपेशन का की शिकायत शुरू हो जाएगी, फिर वो मस्से के आसपास के जो दूसरे रेशे हैं वो फिर बड़े हो जाएंगे, फिर खुल जाएंगे, फिर स्वेलिंग आएगी, फिर वही स्थिति आएगी। कॉन्स्टिपेशन होना, अत्यधिक एल्कोहल का लेना, स्मोकिंग ज़्यादा करना, और सबसे ज़्यादा जो पाइल्स के रोगी देखे गए हैं, आप देख लें, ये लगभग अगर 100 रोगी पाइल्स के इकट्ठे किए जाएं, तो जो मेरा अनुभव रहा है, लगभग 80% रोगी सीवर कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित रहे हैं या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित रहे हैं। जब मैंने उनका इतिहास लिया तो मुझे लगा कि ये लगातार या तो 8 घंटे एक सीट पर बैठ के काम करते हैं, पानी की कमी हो जाती है इनके शरीर में, ये अपने काम में मस्त रहते हैं, और उससे भी ज़्यादा आपको जान के आश्चर्य होगा कि पाइल्स के रोगी लगभग 70% अत्यधिक चिंतन करने वाले, डिप्रेशन वाले या एक हाइपरटेंशन वाले, जो बहुत अधिक सोचते हैं, समझते हैं, अपने दिमाग को सिर्फ एक ही काम में लगाते हैं, चिंतन मनन, ये लेखकों को देखा गया है, राइटर्स जो होते हैं उनको देखा गया है, या लगातार कोई ऐसे फैक्ट्री वर्क में जहाँ पर लोग बैठ करके, या कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह जो लगातार 8 घंटे 5 घंटे करते हैं एक स्थान पर बैठने से, होता क्या है कि जो ब्लड कैपरीज होती है वो जाकर के हमारे रेक्टम के लास्ट पार्ट पर जाकर के समाप्त हो जाती है, और वहां से जब वो टर्न होती है तो ब्लड सर्कुलेशन उसको वापस लौटना चाहिए, लेकिन वापस नहीं लौट पाता, लगातार बैठे रहने से वहां पर ब्लड स्टॉप हो जाता है। स्टॉप होने के बाद वो अगल बगल के मांसपेशियों पर प्रेशर डालता है, तो अगल बगल की मांसपेशियां फूल करके लटक जाती हैं और वो एनस के मार्ग को टाइट कर देती हैं, तो ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन भी हमारा लगातार बना रहता है। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि कॉन्स्टिपेशन ना होने पाए, हमको पहले इस पर ध्यान देना होगा, दवा से अपेक्षा पहले बचाओ। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में औषधियाँ बहुत ही अच्छी हैं, और पाइल्स, मैं आपको ये बता दूं कि वैसे तो मैं ज़्यादातर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपने क्षेत्र में मानसिक रोगी और सेक्स डिजीज पर लोग मुझसे चर्चा करने आते हैं, लेकिन अभी पिछले 7-8 महीनों में मुझे लोग पाइल्स वाला डॉक्टर मानने लगे, क्योंकि पाइल्स के अचानक रोगी हमारे क्षेत्र में बढ़े, और लगातार मैंने उस पर जो प्रयोग किया औषधियों का, उससे जो लोगों को लाभ हुआ, तो मुझे लगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में पाइल्स का तो बड़ा एक जादूगर, जिसको आप कह लें कि जादुई असर है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। लेकिन इलाज बताने से पहले मैं एक बार फिर कहूँगा कि एक रोगी को अपने बॉडी वेट अगर उसका 15 किलो है तो 15 किलो के हिसाब से 1 लीटर, या 10 किलो अगर उसका बॉडी वेट है तो 1 लीटर पानी उसको 24 घंटे में मिलना चाहिए। अब उसी हिसाब से आप अपने बॉडी वेट के आधार पर अपने बॉडी में पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए उतने पानी की आवश्यकता आपके शरीर को होती है। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता या किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन राजेश जी, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं 58 वर्ष का हो चुका हूँ और मैं अपने भोजन के साथ 1 लोटा पानी भोजन करते समय लेता हूँ। हमारे तमाम चिकित्सा विशेषज्ञ कहते हैं कि भोजन के 2 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। मेरा एक इंटरव्यू भी एक टीवी चैनल पे आया था जिसको लगभग 2.5 लाख लोगों ने देखा और उस पर 1,000 लोगों की कमेंट्स भी आई हमारे पक्ष में। भोजन के साथ पानी की मात्रा उतनी ही जरूरी है जितना भोजन।
हमारे तमाम विद्वान इस बात पर तर्क वितर्क करते हैं कि भोजन के आधा घंटा पहले पानी ले लें और भोजन के दो घंटे बाद पानी ले लें। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि मेडिकल के किस किताब में लिखा हुआ है कि भोजन के दो घंटे बाद पानी लेना चाहिए। पानी हमारे शरीर के हर सेल में है, प्रकृति ने पानी से ही हमारे कोशिकाओं को बनाया है। 90% पार्ट हमारे बॉडी का पानी में है। मरने के बाद जब व्यक्ति का दाह संस्कार हो जाता है तो जो बॉडी वेट होता है उसको हम बायोमास कहते हैं। जलाने के बाद जो राख होती है शरीर की, वही शरीर का वेट होता है, बाकी सब उड़ जाता है। तो जब प्रकृति ने हमको पानी में ही बनाया है और हम अपने भोजन के साथ पानी को रोक दें, लोग यहाँ तक कह देते हैं कि जब पानी पीते हैं जाकर के वो आग पर गिर करके ठंडा हो जाता है, हमारे पाचन क्रिया को डिस्टर्ब कर देता है। पानी हम भोजन के साथ जितना ही लेंगे, बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से भी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि पानी आप भोजन के साथ जितना अच्छा मात्रा में लेंगे, आपका पाचन क्रिया उतनी ही दुरुस्त रहेगी, आप कॉन्स्टिपेशन से उतने ही दूर रहेंगे। और अगर आप भोजन के बाद पानी दो घंटे बाद लेते हैं तो जो आपके शरीर में पाचन क्रिया एलिमेंट्री कैनाल में हो रही है वो फैट ज्यादा बनाएगा, फैट बनाएगा, एडिपोज टिश्यू ज्यादा बनाएगा, पाचन क्रिया होगी, एंजाइम्स और हार्मोन्स के द्वारा पाचन क्रिया होगी, उसमें पानी का कोई रोल नहीं, पाचन क्रिया में पानी का कोई रोल नहीं। लेकिन पाचन क्रिया के बाद जो पोषक तत्व बनते हैं उनको अवशोषित करने के लिए पानी का रोल है। तो उधर पाचन क्रिया जारी है और उसमें पोषक तत्व निकल रहे हैं हमारे भोज पदार्थों से, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के स्टमक में, इंटेस्टाइन में, यहाँ तक कि पाचन, हमारे पोषक तत्व हमारे माउथ कैविटी से ही निकलने लगते हैं, पहले वहीं से वो बनने लगते हैं। हमारे भोजन जितना हम चबाते हैं हमारे लार से भी पोषक तत्व बनने का कार्य आरंभ हो जाता है। तो जब तक हम गले के नीचे उसको उतारते हैं, स्टमक में ले जाते हैं, इंटेस्टाइन में ले जाते हैं और वहां तक पाचन क्रिया संपूर्ण समाप्त हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के अपचित भोजन जो नहीं पचता है, जो मल पदार्थ के रूप में धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता हुआ रेक्टम तक जाता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन तक पाचन क्रिया संपूर्ण है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाते जाते जैसे ही पाचन क्रिया समाप्त होती वहां पे पानी का रोल शुरू हो जाता है और पानी हमको आगे की ओर अवशोषित करता है। तो जब हम भोजन के साथ ही पानी लेते हैं तो पचित भोज पदार्थ जो हमारे माउथ से पचे हैं, स्टमक से पचे, वो लगातार अवशोषित होते रहते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन होने की जो प्रक्रिया है उसमें रुकावट आती है, यानी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। ये एक केवल कहीं कहीं बात नहीं है, या डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव का एक फोकस नहीं है जिसको लोग कह लें कि फिर अभी आपके टीवी चैनल, न्यूज चैनल पे कमेंट आने लगे कि ये कपिल शर्मा को शो करते हैं। ये बात मेरे 37 वर्ष के प्रयोग में है और कम से कम सैकड़ों रोगी ऐसे हैं जिनको मैंने पानी पिलाया है भोजन के साथ, वो आज अपने आप को फिट महसूस कर रहे हैं। मैं स्वयं आपके सामने उदाहरण हूँ कि मैं स्लिम बॉडी का व्यक्ति हूँ, मुझे आज तक 58 वर्ष में कभी भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं रही। मेरे परिवार में सभी लोगों को मैं पानी के साथ दिलाता हूँ, मेरे जितने इष्ट मित्र हैं वो पानी के साथ भोजन करते हैं। अभी हमारे तमाम डॉक्टर साथियों ने इस पर प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि आप ये फार्मूला वास्तव में बहुत अच्छा है और पानी के साथ भोजन लेने से हम लोगों को रात में बहुत राहत रहती है, लोग बड़ी अच्छी नींद भी सोते हैं और पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहती है। तो कॉन्स्टिपेशन से पहले बचा जाए, यानी भोजन के साथ पानी की मात्रा हम अपने एज और वेट के अनुसार लें। लगभग 4 से 5 लीटर पानी हमको औसतन सुबह जागने से लेकर रात सोने तक पीना ही पीना है, हमको प्यास लगे या ना लगे, लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन से बचना है तो पानी को हमें पीते ही रहना है। पानी पीने से हमारे ब्लड का सर्कुलेशन, हमारे एलिमेंट्री कैनाल से जो अवशोषित करने की दर है, हमारे किडनी से रक्त के छानने की जो प्रक्रिया है, ये सब बैलेंस में रहती है। हम पानी को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको हम अपने दैनिक क्रिया से अलग नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए हमको पहले जल का प्रयोग करना है, भोजन के साथ हमको जो हमारे छिलकेदार भोज पदार्थ है, रेशेदार भोज पदार्थ, उनको लेना है जिससे हमारा कॉन्स्टिपेशन ना हो। और जब हम ये क्रिया, और दूसरी चीज राजेश जी और बता दूं कि हमको अपने दैनिक वर्क प्रॉपर वे में करना, यानी फिजिकल वर्क जरूर करना है। अक्सर पाइल्स के रोगी वो देखे गए हैं जो दिन में बहुत ज्यादा सोते, जिनके पास काम धाम नहीं है, लेटे लेटे किताब पढ़ रहे हैं, लेटे लेटे टीवी देखी जा रही है, लेटे लेटे वीडियो चलाया जा रहा है, मोबाइल चलाया जा रहा है, 3 घंटे 4 घंटे तक लगातार वो एक ही स्टेज में लेटे हुए हैं, खाना खाने के तुरंत बाद लेट गए, ऐसे लोगों को पाइल्स के ज्यादा केस दिखाई पड़े हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से भी अपने दर्शकों को इस बात के लिए आगाह करना चाहूंगा कि पाइल से बचने के लिए आप अपने कॉन्स्टिपेशन को ना होने दें, कब्ज को ना होने दें, और कब्ज ना हो इसके लिए जरूरी है कि भोजन के साथ आप पानी अनिवार्य रूप से लें। हरे साग सब्जियों का प्रयोग जितना अधिक हो सके वो आप करें, मिर्च मसाले का प्रयोग बिल्कुल रोक दीजिए, तैलीय पदार्थों का कम से कम सेवन कीजिए, और फिजिकल वर्क, शरीर से कार्य करने पर आपके पसीने को निकलना जरूरी है, पसीने
और पसीना जब निकलेगा तो पानी आप वैसे अधिक मात्रा में लेंगे। हमारे बॉडी में पानी का एक निश्चित मात्रा अपने आप बॉडी मेंटेन कर लेती है, उससे अधिक जो होता है वो चाहे पसीने के रूप में चाहे यूरिन के रूप में बाहर निकाल देती है। तो जो प्रकृति ने हमारे शरीर को जिस एटमॉस्फेयर में बनाया है, हम अपने एलिमेंट्री कैनाल को भी होम्योस्टेसिस में तभी रख सकते हैं जब प्राकृतिक नियमों के साथ साथ हम इसका पालन करें। हम आपको जैसे औरतों में है, औरतों में पाइल्स की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग होती है। कारण क्या है कि उनका जो यूटेरस होता है, कभी कभी उन औरतों को ज्यादा देखा गया जैसे गर्भावस्था में यूटेरस का स्पेस बढ़ जाता है और वेट ज्यादा हो जाता है तो एनस पर प्रेशर पड़ता है, या कभी कभी यूटेरस खिसक जाता है, गर्भाशय अपने स्थान से थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, उन महिलाओं को भी पाइल्स की शिकायत देखी गई है। या गर्भावस्था में डिलीवरी के आसपास कुछ ज्यादा हाई एंटीबायोटिक दे दिया जाता है जिससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो महिला और पुरुषों में तो अलग अलग कंडीशन है। महिलाएं तो चूंकि फिजिकल वर्क बहुत करती, दिन भर घर में काम करती रहती है तो फिजिकल वर्क उन पे नहीं लागू होता है, लेकिन पुरुषों में फिजिकल वर्क और बहुत ज्यादा लागू होता है कि फिजिकल वर्क आपको करते रहना चाहिए और मेंटल टॉर्चर से आप दूर रहें, अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री रखें। आप ये मान के चलिए कि अगर 48 घंटे से ज्यादा आपके शरीर में या आपके एलिमेंट्री कैनाल में, आपके रेक्टम में मल पदार्थ रुक गया है तो आप उसको मान लें कि कॉन्स्टिपेशन शुरू हो गया है। और कॉन्स्टिपेशन अगर आपको होता है तो आप ये ना सोचें कि हमको भोजन छोड़ देना है, भोजन आपको प्रॉपर करते रहना है। भोजन छोड़ देने से या एनिमा लेने से, जो एनिमा ले लेते हैं लोग, कॉन्स्टिपेशन हो गया एनिमा ले लिए, उसके बाद फिर कॉन्स्टिपेशन उनको हो जाता है, रिकॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल जब खाली हो जाती है तो एक बैग जो एंजाइम्स और हार्मोन्स पाचन के होते हैं वो निष्क्रिय होने लगते हैं और फिर जाकर के पाचन क्रिया उनकी बाधित हो जाती है, तो फिर कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाता है, फिर पाइल्स के रोगी हो जाते हैं। इस नाते कॉन्स्टिपेशन होने पे एनीमा से बचें, कोशिश करें कि जल की मात्रा आप सुबह भी ले लें, शौच जाने से पहले जल की मात्रा लेकर के थोड़ा बहुत मॉर्निंग वॉक कर लें, 2-4, 10 कदम, 20 कदम, 15-20 मिनट तक, उसके बाद आप शौच क्रिया में जाएं, तो मैं समझता हूं कि इससे राहत रहेगी। अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं। एक फिजिशियन के रूप में, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के फिजिशियन को ये चाहिए कि रोगी का कॉन्स्टिपेशन दूर किया जाए और ब्लीडिंग ना होने पाए उसकी दवा दी जाए, रोगी को पेन ना होने पाए उसकी दवा दी जाए। तो तीन कैटेगरी बनती है। पहली कैटेगरी है कि कॉन्स्टिपेशन को रोका जाए, दूसरी कैटेगरी है अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को चेक किया जाए, और तीसरी कैटेगरी हमारी बनती है कि जो मस्से हैं जहाँ पे स्वेल है, पेन है, उस पेन को कवर किया जाए। तो हम एक फार्मूला देते हैं L3 और S10 और Vol2। कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि पेट में अगर कीड़े हैं, स्कैरिस हैं, तो वो जा करके हमारे रेक्टम के अंतिम पार्ट पे जमा हो जाते हैं और वहां से वो एनस के बीच में कुतर कुतर करके वहां पे छेद कर देते हैं, वहां के रेशे फट जाते हैं, ब्लड कैपरीज वहां की फट जाती है तो ब्लड आने लगता है, तो कभी कभी पाइल्स का अंदेशा हो जाता है, जबकि वो वास्तव में वर्म के काटने के स्थान होते हैं। जबकि रोगी को ब्लड आता है तो शंका हो जाती है कि हमको पाइल्स हो गया है। तो इस नाते Vol2 भी हम देते हैं ताकि अगर कोई वर्म का या कोई कीड़ों का इन्फेक्शन अंदर हो, मान लिया स्कैरिस वगैरह या केचुए वगैरह जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में केचुआ कहते हैं, अगर उस तरह का कोई संभावना है तो वो समाप्त हो जाए, तो हम देते हैं L3, S10 और Vol2। ये पहला फार्मूला बनाते हैं जिसमें हम 20-20 ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम, भोजन के बाद ये प्रक्रिया हम देते हैं रोगी को। दूसरा फार्मूला हमारा है CNS+A2। CNS, जैसा CNS पर चर्चा मैंने आपसे पहले भी कर लिया था, CNS हमारा एक मल्टीपर्पज यूज मेडिसिन है और जब हम इसमें A2 मिला देते हैं तो जो पेन हो रहा है, चाहे वो ब्लीडिंग के साथ हो रहा है या मस्सों के नाते हो रहा है, तो हम उस पेन को कवर कर लेते हैं। और तीसरा है कि कॉन्स्टिपेशन होने ना पाए, उसके लिए हम एक, हमारे पास एक स्पेशल मेडिसिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है जिसको हम यस लास कहते हैं। यस लास को हम गर्म गुनगुने पानी में रात में सोते समय एक गिलास पानी में अगर हम 25 बूंद से 30 बूंद रोगी के वेट के अनुसार, ये फिजिशियन तय करेगा कि उसको क्या डोज देना है अपने रोगी को, लेकिन कॉमन रूप में 20 से 30 बूंद एक गिलास गुनगुने पानी में उसको पिला करके हम रात को जब सोने की सलाह देते हैं तो सुबह हम देखते हैं कि उसका जो मल पदार्थ है वो आसानी से सुगमता से रेक्टम के बाहर निकल जाता है। तो ये तीनों दवाइयां लगातार हमको 1 माह से 1.5 माह तक हम जब रोगी को चलाते हैं और खान पान उसका दुरुस्त करवा देते हैं तो रोगी अपने आप में स्वस्थ हो जाता है और बिल्कुल हंसते हुए चीयरफुल तरीके से फिर अपने डॉक्टर का आभार व्यक्त करता है। जी राजेश जी, डॉक्टर साहब आपने हमें ये बहुत अच्छी जानकारी दी कि हमें खाने के साथ पानी लेना चाहिए जरूर अगर हमें स्वस्थ रहना है तो। जी जी, दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए ये भी आपने हमें बताया। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन मन में बार बार उठ रहा है कि पाइल्स जानलेवा भी होती है क्या?
इससे कोई खतरा है? राजेश जी, अति का बुरा, अति सभी का बुरा है। जब पाइल्स लगातार ब्लीडिंग जारी रहेगी तो इसका तात्पर्य हुआ कि अंदर घाव बने हुए हैं। ये घाव अगर लगातार बने हुए हैं और चिकित्सक के शरण में आप रोगी नहीं जा रहा है, वो अपने आप में झिझक रहा है, शर्म हया कर रहा है, तो फिर पाइल्स चूंकि घाव हो गया है, अंदर हो या बाहर की ओर हो, बाहर के मत से बाहर की ओर लटक जाते हैं, वो जो है पेन देते हैं लटकते हुए, और अंदर के मत से फट जाते हैं। तो अंदर के मत से जब फटते हैं और ब्लड आता है तो वहां पे घाव हो जाता है। अगर वो घाव जल्दी नहीं भर रहा है तो फिर अगर वो लगातार 1 महीने 1.5 महीने तक लगातार ये कंडीशन जारी है तो आप समझ सकते हैं कि उसको आम बोलचाल की भाषा में फिर वो धीरे धीरे कैंसर की ओर भी बढ़ सकता है। ऐसे तमाम रोगी देखे गए हैं जो पाइल्स के बाद ही कैंसर से पीड़ित हो गए हैं। इस नाते जानलेवा या खतरनाक रोग कोई भी जो ज्यादा हो जाएगा वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे रूप में, दूसरे रोग में कन्वर्ट होना ही होना है। इस नाते तत्काल पाइल्स के रोगी अगर लगता है कि हमको इस तरह की कंडीशन है तो तत्काल अपने निकटवर्ती किसी फिजिशियन से या सर्जन से जैसी भी आवश्यकता वो समझते हैं उनको सलाह लेनी ही चाहिए। डॉक्टर साहब, हम एक बात और आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो पेशेंट है पाइल्स का या बवासीर का जो पेशेंट है, उसकी जो खान पान है वो किस तरीके का होना चाहिए और किस तरह की एक्सरसाइजेज उसे करनी चाहिए या योगासन किस तरीके के उसे करने चाहिए? राजेश जी, अभी मैंने पहले भी आपको खान पान के बारे में थोड़ा बताया, लेकिन मैं रिपीट कर दूं क्योंकि आपने सवाल किया तो जवाब भी देना है। पाइल्स के रोगी को हमेशा मोटे अनाज जैसे गेहूं और चना एक में पिसवा करके छिलकेदार बिना चाले हुए आटे को उसकी रोटी इनको प्रयोग करना चाहिए, जैसे जिसको आप कह सकते हैं चोकर मिला हुआ आटा। आपको जरा थोड़ा सा और पीछे चले जाइए, अगर हम आज से 50 साल पहले की बात करें, हालांकि मुझे भी अपने बचपन की बातें याद आती हैं, उस समय हम लोग मक्के की रोटी खाया करते, मक्का चलता था, ज्वार चलता था, बाजरा चलता था। बदलते परिवेश में हमने अपने खान पान को स्वयं अव्यवस्थित किया है, हमने मोटे अनाज लेना बंद कर दिया। हम पहले चावल एक बार कुटाया जाता था जिसको हम सेधा चावल कहते हैं, हमारे अब तो सेधा चावल मिलते ही नहीं है, लेकिन रोगियों को हम लोग सलाह देते हैं कि आप सेधा चावल खाएं। सेधा चावल एक बार कूटा जाता है, उसके अंदर रेशे बने रहते हैं जी। आजकल हम फैशन के युग में बहुत महीन चावल खरीदते हैं बाजार से, जो 2-3 बार मशीन में चल करके कूट के चिकना हो जाता है। आटा हम वहां भी मशीन पे कहते हैं बहुत पतला पीसिएगा, और घर में लाते हैं तो औरतें भी उसको 3 बार 4 बार चालना पसंद करती, कहती बहुत चोकर आटे में आ रहा है। मेरे घर में तो कई बार बहस हो जाती है जब मैं कहता हूँ कि आटे को जरा कम चाला करो, तो कहती है कि हम लोग सबको आप यही खिलाएंगे चोकर ही। ये मेरे ही घर में नहीं, मैं समझता हूँ सभी घरों में ये कंडीशन आती है कि औरतें चालने की ज्यादा इच्छुक होती हैं। अच्छा, कुछ और भी होता है, कुछ देखा देखी, आमतौर से आपके घर में दूसरे तीसरे दिन अगर पूड़ी और पराठा बन रहा है तो सोचती हैं कि इतने मोटे आटे की जरूरत नहीं, इसको चाल दिया जाए। छिलकेदार दाल खाना चाहिए, चोकर वाला आटा प्रयोग किया जाना चाहिए। कोशिश किया जाए कि मक्के की रोटी, ज्वार की रोटी, सावा का चावल, सावा तो अब दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन फिर भी बहुत जगह मिल जाता है, सावे का चावल हो। अगर कुछ नहीं आपको मिल सकता तो आप दलिया खाएं, दलिया में गेहूं के छिलके लगे रहते हैं, सुबह आप दलिया ले सकते हैं, अगर मीठा ले तो भी ठीक है, नमकीन ले तो भी ठीक है। रेशेदार साग सब्जियां लें आप, जैसे ग्वालसेम है, लौकी है और तरोई है, इस तरह की सब्जियां आप ले सकते हैं जो रेशेदार सब्जियां हों, जिससे और साग जितने भी पत्तेदार साग आते हैं साग का सेवन आप कर सकते हैं। जूस में, खान पान में जूस अगर आप लेना है तो अनार का जूस आप ले सकते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन कम हो, आपकी संभावना कम रहे। आप पपीता खा सकते हैं। दही का प्रयोग आप नहीं करेंगे, दूध का प्रयोग कर सकते हैं पीने में, लेकिन दही का प्रयोग अगर आप करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन आपका बढ़ता जाएगा। इस नाते पाइल्स के रोगियों को दही से संबंधित कोई भी आइटम मैं रोकने की सलाह देता हूँ, विशेष करके सभी तैलीय पदार्थ या घी वाले पदार्थ इस तरीके के सेवन ना करें। बस एक तरीके से आप विशुद्ध रूप से मोटे अनाज के आप प्रयोग करें, गर्म गुनगुने पानी का प्रयोग करें। और हाँ, आपने बहुत अच्छा एक सवाल किया तो उसी समय दिमाग में मेरे एक बात और आ गई कि जो फ्रिज का पानी है ये पाइल्स के रोगी के लिए विष का कार्य करेगा। यानी ध्यान दें हमारे सभी सुनने वाले साथी कि जित ठंडे पानी का प्रयोग अगर आप करते हैं तो ठंडा पानी हमारे कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा देता है, क्योंकि ठंडा पानी का जो कंसंट्रेशन
स्टमक में जाता है तो इसको कुछ देर टेम्परेचर को मेंटेन करने में लगता है। इस तरह से ठंडे पानी से आप बचें, आप गुनगुने पानी पिएंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन भी दूर रहेगा और आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी आपकी आराम से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में चलेगा। एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी या फ्रेश वाटर आप लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। राजेश जी, मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से हमारे सभी जो श्रोता हैं जिनको पाइल्स नहीं भी है, ये कोई जरूरी नहीं कि पाइल्स के रोगी इस वीडियो को सुने, आम साथियों के लिए भी ये वीडियो है कि आप पाइल्स से बचने के लिए भी इस तरह का खान पान करें। ज़्यादा तली भुनी चीज़ें और चिकनी चीज़ों का प्रयोग छोड़ दीजिए। सलाद का प्रयोग आप कर सकते हैं अपने भोजन में, खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, प्याज है, छिलकेदार आप फल भी ले सकते हैं। अमरूद, आपको सबसे बढ़िया फल अमरूद का है, पाइल्स के रोगी को अमरूद का फल खूब खाना चाहिए। हमने तो देखा है, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं पिछले वर्ष एक टूर पर था तो मैंने देखा वहाँ परवल और तरोई को भी छील करके औरतें बनाती हैं भोजन में, जबकि परवल की सब्जी बिना छीले बनाना चाहिए, तरोई की सब्जी बिना छीले बनाए उसको धुल दीजिए। साफ सफाई का तात्पर्य कि उसको गर्म पानी से आप हल्का गुनगुना धुल दें या नमक के पानी धुल दें ताकि बैक्टीरिया आदि उससे खत्म हो जाए। लेकिन अगर आपने छिलका ही उतार दिया तो फिर परवल में रह क्या गया? परवल की सबसे अच्छी सब्जी मानी जाती है, रेशेदार सब्जी, और परवल का अगर छिलका उतार के आपने बना दिया तो सिर्फ आप अपने स्वाद के लिए बना रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य कि पाइल्स के रोगी को स्वाद भूल जाना चाहिए, स्वास्थ्य नंबर एक पर याद रहना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो भोजन उचित हो वो लेना चाहिए, ना कि स्वाद के दृष्टिकोण से। स्वाद का अगर आप देखेंगे तो आप पाइल्स के रोगी हमेशा बने रहेंगे। जी राजेश जी, डॉक्टर साहब आपने हमें अपना बहुत कीमती समय दिया और बहुत अच्छी जानकारी दी पाइल्स के बारे में और पाइल्स से बचने के लिए भी कि हम बवासीर से कैसे बचे रह सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार, आप सबका आभार। और मैं अपने साथियों से अपेक्षा करूंगा इस चैनल के माध्यम से कि जब आप कमेंट लिखते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आज इस चैनल पर पहली बार इस बात को कह रहा हूं कि मैं केवल इसी चैनल पर इंटरव्यू नहीं दे रहा हूं, लगातार 7-8 लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और सभी यूट्यूब चैनल के हमारे वरिष्ठ साथी लोग ले रहे हैं। राजेश जी की टीम भी बहुत वरिष्ठ लोगों की है। तो जब आप कमेंट्स लिखते हैं तो कमेंट्स लिखने में आप पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से मानसिक रूप से पीड़ित होकर के कमेंट्स मत लिखिए। आप हमारी बातों को समझने का और विज्ञान के स्तर से किताबों पर मनन करके अगर आपको लगता है कि मैं किसी स्वयं अपनी बातों कह रहा हूं तो आप उसको हमारे फोन कॉल नंबर 9793252 पर 555 पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस तरह का कमेंट लिखते हैं कि ये तो कपिल शर्मा शो हो गया, फ्लॉप शो हो गया, ये तांत्रिक हैं, ये मनगढ़ंत बातें कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि या तो आप विज्ञान जानते नहीं हैं या तो फिर आप ऐसे लोगों से कमेंट करवाए जाते हैं जो मेरे इस वीडियो चैनल से, मेरी लोकप्रियता से अपने आप को प्रभावित समझ रहे हैं। मेरे इस चैनल से मैं किसी को प्रभावित नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी की आलोचना करता हूं, ना मैं किसी पर पर्टिकुलर टिप्पणी करता हूं। ये एक स्वतंत्र विचार है जो मैंने अपने 37 वर्ष के अनुभव में बिताया है एक फिजिशियन के रूप में, एज इलेक्ट्रोपैथ, मैं वो शेयर करता हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपका स्वागत है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट्स लिखने से पहले एक बार आप हमको फोन कॉल करके पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आज आपसे कहा कि भोजन के साथ आप पानी लें, अब आप पानी ना लें और आप इस पर लिख दें कि मैं पागल हूं या मैं बेकार की बातें बता रहा हूं, तो मुझे लगता है कि फिर यह आपकी बहुत संकीर्ण मानसिकता होगी। मैं अपने उन तमाम साथियों से क्षमा चाहूंगा जो मेरे इस टिप्पणी को गलत समझ रहे हूं। मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा, आपके अच्छी टिप्पणियों का स्वागत है, आपके सलाह का भी स्वागत है। ये वाद संवाद इसीलिए होता है कि हम एक दूसरे की बातों को समझ सकें और उसको जीवन में अपना सकें। आलोचना कीजिए, आलोचना का तात्पर्य है कि आप हमारी कमियों को निकालिए, लेकिन कमियों को आप शब्दों में मत निकालिए। आप हमारी कमियां अगर समझते हैं कि मैं गलत बता रहा हूं या आपको लगता है कि ये बातें गलत हो सकती हैं तो हो सकती नहीं है, फिर आप भी उसको दावे के साथ कंफर्मेशन करिए कि आपने ये बात कैसे कही। जैसे मैं इस बात को चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि भोजन के साथ पानी पीना क्यों अनिवार्य है। अब इसको डिबेट कर लिया जाए, अगर किसी चिकित्सा पद्धति के लोग इस बात पर हमसे डिबेट करना चाहते हैं तो मैं खुले मंच पर उनसे डिबेट कर सकता हूं, वो अपनी बात रखें और मैं अपनी बात रखूं, फिर ये देखने में समझ में आ जाएगा कि ये बातें कहां तक सच हो सकती हैं, या फिजियोलॉजी के दृष्टिकोण से या जियोलॉजी के आधार पर या फिजियोलॉजी के आधार पर डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपनी बातों को कैसे साबित कर सकते हैं। ये एक चर्चा का विषय है, ना कि कटु आलोचना का विषय है। इस नाते मैं क्षमा चाहूंगा आप सब उन तमाम आलोचकों से जो हमारे एक इंटरव्यू पर, हालांकि पिछले इंटरव्यू पे आप सबने बहुत अच्छे कमेंट किए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन एक पहले इंटरव्यू पर मुझे लगता है कि कुछ विशेष लोगों द्वारा कमेंट्स कराए गए थे। मैं उन तमाम लोगों से कहूंगा कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें, किसी के कहे गए बातों पर कमेंट ना करें। मेरे वीडियो को पूरा सुने, सुनने के बाद उस पर मंथन करें और मंथन करने के बाद
वो ये विचार करें कि जो बातें मैं कह रहा हूँ क्या वो विज्ञान के स्तर से क्या सही सटीक बैठती कि नहीं बैठती। अगर नहीं बैठती है आपके हिसाब से तो आप हमको फोन कॉल करके हमको बताइए कि मेरी कमियां कहाँ है या आपने उसमें कमियों को कहाँ से पता किया है। बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार।